So let's start. So children, in this chapter of political parties, this is sixth chapter of political science. We will just summarize quickly that what is given in this chapter. Okay, so this is basically about the overview, how many political parties are required for democracy, that we will go through, what are national parties and regional political parties that we have already covered, as well as what are, you know, what is wrong with political parties, what are the challenges, and how we can give reforms, or how we can reform or resolve the their challenges. That is given. Okay, we have focused already. Now, first of all, what is the meaning of the political party? Why do we need political parties? इसपे आने से पहले हम ये समझेंगे पार्टी किसको कहते हैं. ठीक है. So first of all, definition. Political parties are easily one of the most visible institutions in our democracy. So basically, when we study about the democracy, to run government or to rule democracy, we need certain political parties. Okay, and basically democracy ki baat ho rahi hai, to democracy is representative government where we need political party. Okay, so that is why it is written here that it is the most visible institution in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. ठीक है, most ordinary citizens, democracy क्या है? लोगों के लिए एक representation करने का, presentation करने का एक method है. ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि इसमें लिखा है, if you travel in remote parts of the country and speak to the less educated people, you could come across people who may not know anything about what is happening, you know, around देश में क्या हो रहा है, या क्या टेक्निक आई है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, ये ज्यादा उनको नहीं पता होगा. कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता होगा, बट दे मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, जैसे कि राइट नाउ यू कैन सी इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जो उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा है इलेक्शन का, तो लोग जगह जगह पे जो है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, हर पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या कहाँ पे क्या हो रही है, कौन कंटेस्ट कर रहा है. ठीक है, लाइक दैट. सो बेसिकली डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बिना किसी भी, हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चला हो सकता जहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टी ना हो. हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी होती ही है. ठीक है, चाहे कहीं पे कम हो या कहीं पे मल्टी पार्टीज हो, जैसे कि हम आगे एग्जाम्पल्स में कवर करेंगे कि चाइना जहाँ पे सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, और इंडिया जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है. ठीक है, सो बेसिकली डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करने का, रूल करने का एक मेथड है. ठीक है, इट इज मोस्ट विजिबल. आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? यू कैन रिकॉल वी हैव लर्न अबाउट दिस थिंग्स. ठीक है, बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज. एट द सेम टाइम, दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी. विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि वो पॉपुलर ही हो. ठीक है, विजिबिलिटी का मतलब ये है कि मे बी वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इतनी पॉपुलर ना हो. ठीक है, ऐसा जैसे कि आजकल आप देख सकते हो कि भाई ऐसा था कुछ टाइम पहले, आज से 10-15 साल पहले, भाई बीएसपी जो एक पार्टी थी, जो कि नेशनल पार्टी है, भाई ये रूलिंग पार्टी थी उत्तर प्रदेश में. ठीक है, लेकिन अभी वो इतनी लाइमलाइट में नहीं है. ठीक है, तो हर एक हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जरूरी नहीं कि पॉपुलर हो. ओके, बहुत सारी स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज हैं बीएसपी के अलावा भी, तो वो जरूरी नहीं है कि पॉपुलर भी हो. आर यू गेटिंग? ठीक है, ओके. मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दे टेंड टू. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा टेबल चेयर जहाँ पे रखे हुए हैं, और तो टेबल चेयर सामने पड़े और कोई रिस्पॉन्स या एक्सप्रेशन ना हो, बहुत मुश्किल लगता है. पॉलिटिकल पार्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरलाइन हियर, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. ठीक है, तो तीन चीजें
बेसिकली दिए है इसमें. पहला पॉइंट, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन. एंड थर्ड थिंग, होल्डिंग पावर इन द गवर्नमेंट. तो पहली चीज क्या है, सबसे पहला होगा फर्स्ट पॉइंट, दे विल कम, यू नो, दे विल मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर कमिंग क्लोज, ठीक है, दे आर कमिंग टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन. ठीक है, क्यों आ रहे हैं, कंटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन में, सॉरी, गला बहुत ही बुरी कंडीशन में है, ठीक है. सो यहाँ पे जब वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, तभी वो इलेक्शन में जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है. तो आपको इन तीनों वर्ड्स को पकड़ के चलना है, ठीक है. दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. देन इसके अलावा ये फीचर्स भी आ जाएंगे, ठीक है. ये सारी चीजें जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के फीचर्स हैं. अब आप इसको डेफिनेशन कहिए या फिर आप इसको फीचर्स कहिए, ठीक है. पहला पॉइंट जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव के पर्पज से. तो फर्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट इज गिविंग यू द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन. देन इट इज कनेक्टेड, ये जो अदर पॉइंट्स हैं, दीज आर दी कनेक्टेड पॉइंट्स, जो कि फीचर्स हैं. दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड, ठीक है. उनके कॉमन पॉलिसी प्रोग्राम्स होंगे जिसको कि वो मिलके काम करेंगे और आगे प्रमोट करेंगे, ठीक है. दे कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल. देन यू कैन सी पार्टीज ट्राई टू पर्सुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन द अदर्स, ठीक है. अब यहाँ पे इतना डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से दो पीरियड और चाहिए होंगे हमें, ठीक है. बट आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे parties try to persuade people why their policies are better than the others. यहाँ पे इस फीचर को ध्यान में रखेंगे कि भाई मोबिलाइज कर रहे हैं, they are persuading people why their policies are better than the other political parties, why they are good. लोगों को क्यों उनको चुनना चाहिए, क्यों वोट देना चाहिए, क्यों उनके पास कोई अच्छी पॉलिसी होगी, तभी तो. दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस. तो वो जब अपनी पॉलिसीज बताएंगे तभी तो लोग उनको इलेक्शन में वोट देंगे, नहीं तो जब तक पता ही नहीं चलेगा तब तक कैसे कोई जानेगा कि भाई आपके प्रोग्राम क्या है. भाई अभी आप जैसे देख रहे हो सिनेरियो, अब डिजिटल मेथड से इलेक्शन होने वाला है, डिजिटल मेथड से एडवर्टाइजिंग होगी, रैली की कैंपेनिंग होती है, ठीक है. इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, वो सारा कुछ डिजिटल मेथड से होगा, वर्चुअल मेथड से होगा, ठीक है. सो यू शुड नो कि हाउ दे फॉलो द स्टेप्स टू पर्सुएड और टू कन्विंस पीपल सो दैट पीपल कैन गिव वोट, ठीक है, कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनको अच्छे ऑप्शंस दे रही है, ठीक है. नाउ लुक एट द पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी. पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप, ठीक है. तो ये चीज हमारी बड़ी कॉमन है कि हम किसी के भी फेवर में होते हैं, पार्टीजनशिप एक किसी का साइड लेना, किसी का फेवर लेना, ठीक है. हम जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, घर में लड़ाई होती है तो हम अपने भाई बहन से जब लड़ाई करते हैं तो हम पापा मम्मी हमको सपोर्ट करते हैं या हम पापा मम्मी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है. तो क्या होता है, हम किसी का साइड लेते हैं ना, उसी को कहते हैं पार्टीजनशिप, ठीक है. तो पार्टीजनशिप लेना, भाई आप किसी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट तो बोलेंगे नहीं, आपको उनके साथ हर हाल में पार्टीजनशिप निभाना पड़ेगा. भाई एक तरीके का ये एक क्या कहेंगे, प्रॉमिस ही समझ लीजिए, ठीक है, कि आपको हर हाल में पार्टी के साथ काम करेंगे, पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेंगे, ठीक है. दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर व्हाट यू आर टेकिंग स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट एंड हूज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड. भाई आपकी पॉलिसीज जो भी होंगी, चाहे वो अच्छी हो या लोगों के लिए, लोगों को खराब लगी हो, लेकिन आप हर हाल में पार्टी के भक्त बने रहेंगे, ठीक है. मतलब आपको हर हाल में विश्वास करना पड़ेगा और उनके इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा, ठीक है. ये समझ में आ गया होगा आपको, ये सारे फीचर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के. एक तरीके से वन बाय वन आप
Then what are the elements? What are the elements of political party? The leaders, the active members, and the followers. The leader, those whosoever will take the head, by bina head ke nahi hoga. First of all, the leader is very important. ठीक है, then they will depute the work to the active members. Active members will work for the for their leader according to their policy. And then the followers. Followers जो भी लोग होंगे जो उनको follow करेंगे. ठीक है, so these are the elements. It is very important. A political party has three components, that is the leaders, active members, and the followers. Understood everyone? ठीक है, बिना active members और followers के कोई भी political party या leader काम नहीं कर सकता. तो इसीलिए ये तीनों ही अपने आप में बहुत important है. Are you getting all of you? Yes, ma'am. Okay. Now look at the functions. It is very important. Now there are seven functions, seven या eight functions दिए हैं इसमें. ठीक है, yes, seven दिए हैं. ठीक है, look at here. The यहाँ पे direct question आता है, but यहाँ पे questions descriptive और objective दोनों ही तरीके से आपको carry करनी है. All political parties and officers exercise political power. Parties do so by performing a series of functions. First, parties contest election. सबसे पहला point यही है. Parties जो भी form हो रही हैं, सबसे main purpose उनका election contest करना ही होगा. अगर उनको election participate नहीं करना है, तो वो party क्यों बनाएंगे? ठीक है, birthday party तो बनाएंगे नहीं, या फिर सिर्फ घूमने फिरने के लिए तो party नहीं बनाएंगी. ठीक है, election के purpose से उन्होंने party बनाई है, तो उनको contest करना पड़ेगा ना. In some countries such as USA, members and supporters of a party choose its candidate. ठीक है, जैसे कि कुछ countries में अभी बीच वाला matter आप लोगों को खुद से थोड़ा बहुत read करना होगा. USA कुछ example दिए हैं यहाँ पे. Such as USA, members and supporters of a party choose its candidate. अपने candidate को खुद choose करते हैं. ठीक है, कि कौन हमारा head होगा, कौन हमारे leader होंगे contest करने के लिए जो election में खड़ा हो. इसी तरीके से इंडिया में भी होता है. इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज बाय कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन. ठीक है, वो कोई भी पॉपुलर लीडर हो सकता है. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम. ठीक है, तो ये भी सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, उनको पहले सबसे पहला पार्टी के फॉर्मेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को डिक्लेयर करना पड़ता है. ठीक है, तो ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से इससे अवेयर हैं, जिसके बेस पे लोग उनको वोट देने वाले हैं चुनाव में, इलेक्शन में. ठीक है, बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटीज ऑफ व्यूज. ठीक है, ये आप अपने आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना. ओके, नाउ लुक एट द थर्ड फंक्शन. जो नहीं आ रही है चीजें वो आप पूछ भी सकते हो. कोई ऐसे फोन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे देखो, रूलिंग पार्टी किसको कहते हैं, जो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन. कंटेस्ट करने के बाद जो जीतता है, जीतता वही है जो मेजोरिटी लेके आता है. ठीक है, जो मेजोरिटी में जिसको सीट्स मिलती है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है. आपकी आवाज नहीं आ रही है, जो जो लग रहा है कि मैं ऐसे चिल्ला रही हूँ, गला वैसी एकदम. थोड़ा देखते हैं कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में. प्रगति की आवाज नहीं आ रही है. अच्युतम, आर यू प्रेजेंट? आदित्य, आकांक्षा, अंकुश्विता, अंशिका, ज्ञानेंद्र और हार्दिक, हर्ष तिवारी. यस मैम. आपको समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम. ओके, यस मैम. यस मैम. इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो डाउट. ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है. विच पार्टी इज रूलिंग पार्टी एंड विच इज अपोजिशन पार्टी. ठीक है, जिसको मेजोरिटी में सीट नहीं मिलती वो अपोजिशन पार्टी है, और जिसको मेजोरिटी में सीट मिलती वो कौन है? वो रूलिंग पार्टी है. ठीक है, रूलिंग पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड देन दे विल मेक पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस. दे विल सिट इन द पार्लियामेंट एंड देन द रूलिंग पार्टी इज कॉल्ड द गवर्नमेंट. ठीक है, जब वो रूल करने के लिए भी आ गए हैं, तो इसी को ही हम गवर्नमेंट कहते हैं.
ठीक है. देन थर्ड फंक्शन, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री. ठीक है. फॉर फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप. ठीक है. सो दैट ऑल्सो यू नो, जो भी गवर्नमेंट में आएगा उसको ये लॉ मेकिंग करनी है. दे विल पास द बिल्स इन द पार्लियामेंट एंड देन इट विल गो फॉर लेजिस्लेचर, यानी जिसको कि हम लॉ मेकिंग कहते हैं. ठीक है. क्लियर है सभी को थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर मेकिंग गवर्नमेंट, भाई दे विल रन गवर्नमेंट उसी को ही कहेंगे. ठीक है. बहुत ज्यादा चेंज नहीं है. द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज. इन्हीं में से जो पॉलिटिकल पार्टीज थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्हीं में से कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर और कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं. ठीक है. जो बनेंगे तो इन्हीं को ही हम गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है. दीज आर दी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. तो ये टर्म्स आपके लिए न्यू नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ, दोज पार्टीज. यस हाँ, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. भाई इसका क्या, अपोजिशन का क्या रोल है, ये डिफरेंट अगर डिस्क्रिप्टिव आता है क्वेश्चन तो अलग अलग सारे फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं या किसी एक फंक्शन को भी डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जा सकता है. तो बेसिकली यहाँ पे अपोजिशन का क्या रोल है, अगर अपोजिशन वीक हुआ तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी. ठीक है. क्योंकि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी ग्रोथ के लिए महंगाई बढ़ा सकती है, पेट्रोल बढ़ा सकती है और कुछ भी डिसीजन ले सकती है. तो एक अपोजिशन का स्ट्रांग होना और क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, इन अ प्रिवेंटिव वे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट दे कैन स्टॉप द यू नो द रॉन्ग पॉलिसीज और रॉन्ग डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट. Understood. And opposition party also mobilize opposition to the government. It is very important. Okay, now sixth is parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. So it is very important. हम जब frame करते हैं policy, उसी समय से हमारे जो active members होते हैं, जो followers होते हैं, वो प्रचार प्रसार करने का काम शुरू कर देते हैं. ठीक है. इसीलिए इनको active member बनाया गया है. ठीक है. तो बेसिकली दे ट्राई टू शेप पब्लिक ओपिनियन, दे ट्राई टू पर्सुएड और मोबिलाइज, ठीक है, थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू कन्विंसिंग. दे गो ऑन टू ऑर्गेनाइज रैलीज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. सो दिस इज मेकिंग प्रोसेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन. ठीक है. मैनी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स आर एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. प्रेशर ग्रुप्स वाला चैप्टर स्किप हो गया, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स जो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर कोई भी ट्रेड यूनियन जो प्रेशर क्रिएट करने का काम करती है. ठीक है. सो बेसिकली दे माइट बी इन फ्यूचर कन्वर्टेड इन टू अ पॉलिटिकल पार्टी. सो दे वुड एक्टिवली वर्क फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज. Understood. Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by the people. So this is very often we can see. Now seven, parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government. Okay. So this is also one of the important function of the political parties. भाई जो भी ruling party है या फिर opposition है, they try to give information, awareness about the whatever योजनाएं जो लागू करती है government, उसके बारे में उनको inform करना और उसका actually में जो फायदा मिलना चाहिए वहाँ पे उनका ये काम भी है कि वो provide करें. ठीक है. और even people also seek help from the some resourceful person, जैसे कि कोई MLA है तो वहाँ तक सोर्स लगा के किसी पॉलिसी का उसका फायदा उनको मिल सके. ठीक है. किसी योजना का लाभ उनको मिल सके. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. अंडरस्टूड एवरीवन? आ रहा समझ में? क्योंकि किसी भी आम जनता के लिए, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि किसी योजना का लाभ उनको मिल सके, किसी
प्रोग्राम्स आप देखते हो, इतने सारे आते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो अप्रोच जो है लोकल पार्टी का, जो भी लीडर होगा उस एरिया का, वो उनको वो बेनिफिट दिलवा सकता है। दैट इज व्हाई दे फील क्लोज टू द पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट। ये बीच बीच का सब आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। मैं इतना पीडीएफ अगर ओपन हो गया तो पीडीएफ में आपको अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। मैंने सोचा कि शायद मैं शॉर्ट में इसको खत्म करूंगी। सर आ गए हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी, ठीक है। सेम वही चीजें जो हम पहले अभी पढ़ रहे थे, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट will happen if there will be no political party, क्या होगा अगर कोई political party नहीं होती है तो, ठीक है। तो I think ये सबको समझ में आ गया है कि अगर political party नहीं होगी तो क्या होगा। Independent political parties होंगी, every candidate, यहाँ से देखो यहाँ पे question बनता है ना, why there is a necessity of the political parties, का answer आपको यहीं पे मिल जाएगा कि अगर political parties नहीं होंगी, we can understand the necessity of the political parties by imagining a situation without parties, every candidate in the elections will be independent candidate, ठीक है। So no one will be able to make any promises to the people. इतने सारे अगर 543 वही constituencies हैं लोकसभा में, तो 543 members आएंगे, 543 political parties आ जाएगी, ठीक है। अब इनका वही लॉ मेकिंग कैसा होगा, क्योंकि जब हम बिल पास करते हैं तो उसके लिए हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तो 2/3 मेजोरिटी कैसे आएगी। सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, सब आपस में लड़ जाएंगे, बहस हो जाएगी, ठीक है। अबाउट एनी अदर मेजर पॉलिसी डिसीजन कोई कॉमन हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट नहीं होगा उनके बीच। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट इट्स यूनिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज तो है ही कि कोई बिल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिल पास करने के लिए मेजोरिटी चाहिए और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में जो भी लीडर होगा भाई, वो अपनी पर्टिकुलर सीट के लिए ही चिंता करेगा, वहां के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहेगा, ठीक है। एक जो नेशनलिज्म, यानी पूरे जो हम कह सकते हैं राष्ट्र के बारे में सोचने वाला जो पॉइंट होगा, वो गायब हो जाएगा, उसको रिप्रेजेंट कोई नहीं करेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर सीट ओनली, फॉर देयर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, दे विल नॉट बॉदर अबाउट दी नेशनल मैटर्स। जो नेशनल इंटरेस्ट होंगे, दे विल नॉट बॉदर अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। ओके, आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस मैम, यस मैम। ओके, तो इसका व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी, ये चीज आपको समझ में आ ही गई है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा रीड कर लेना है, हमें क्या दिया हुआ है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछना, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना, प्लीज गो थ्रू योरसेल्फ, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। नाउ आई एम स्टार्टिंग, हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, सर आप बनाना चाहते हैं।